देखते रहिए यूवीएन जीरो एट ब्यावरा से रोहित मेवाड़े की रिपोर्ट। आज दिनांक 27/7/2018 दिनांक शुक्रवार की रात सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। रात 11:55 पे शुरू होगा जो रात 3:44 पर खत्म होगा। कौन सी क्लास के स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं आप? जी सर, 10th में साइंस और 11th में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा सर, आज सदी का सबसे महत्वपूर्ण बड़ा चंद्रग्रहण है, तो आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? जी, सदी का चंद्रग्रहण सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है इस वर्ष, जो कि 100 सालों में बताया जा रहा है और आगामी 2099 में इसको देखा जाएगा, ऐसा खगोल शास्त्री बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, सूर्य और चांद के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो पूरा अंधकार छा जाता है, जिसे हम चंद्रग्रहण। अच्छा, आपके स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शर्मिला कारपेंटर। कौन सी क्लास है ये? 11th कॉमर्स। 11th कॉमर्स। अच्छा, चंद्रग्रहण के बारे में जानते हैं आप? हाँ जानते हैं ना, रात के समय में होता है। तो चंद्रग्रहण कब होता है? रात के समय में होता है। नहीं, कंडीशन क्या है उसकी? वो पृथ्वी से आता है, मतलब कि ऐसे आज रात्रि 11:45 से शुरू होगा चंद्रग्रहण और 3:55 तक चलेगा। और ये खग्रास चंद्रग्रहण है, यानी पूर्ण चंद्रग्रहण है जो वर्षों बाद आया है, माने अब सन 21 में आएगा। उसके बाद में खग्रास तात्पर्य है कि ये पूरा ही काला हो जाएगा चंद्रमा जी। ऐसा बहुत कम होता। अभी जैसे आपने पूछा कि कब आता है, तो ऐसा फिक्स नहीं है जी कि कब आता है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव बिहारी भट्टरे है, बालेजी मंदिर का मैं पुजारी हूँ। अच्छा, कितने वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं? हम पांच पीढ़ी हमारी हो गई है। मैं वर्तमान में 35 साल हो गए मुझे सेवा करते करते, इसके पश्चात मेरा बालक भी करता है। अच्छा, पांच पीढ़ी से लगातार बालाजी मंदिर में आप सेवा कर रहे हो जी, और ज्योतिष का काम भी कर रहे हो? ज्योतिष का काम भी करता हूँ। पांच पीढ़ी मेरी इस मंदिर पे सेवा करती करती चली आ रही है, इसका प्रमाण है। अच्छा सर, पंडित जी ये बताइए कि आज सदी का चंद्रग्रहण है, सदी का सबसे बड़ा चंद्रग्रहण है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? आज जो अषाढ़ मास से शुक्ल पक्ष में उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ये ग्रहण होने के कारण देश के लिए सुख शांति प्रद देखिए आया है, क्योंकि अषाढ़ मास का ग्रहण अति पुण्यदायक है। उसके दूसरे दिन श्रवण मास होने से और भी पुण्यदायक बन जाता है, जिससे जिले का और प्रदेश का सभी प्रकार की सुख शांति और लाभ होगा। राज्य जिले के लिए अत्यंत फलदायक है।